गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स दिस इज आर हिंदी शब्द कुटीर बुक आज हम इसमें वर्णमाला दोहराएंगे अ से अनार आ से आम इ से इमली ई से ईख उ से उल्लू, ऊ से ऊन ऋ से ऋषि ए से एडी, ऐ से ऐनक ओ से ओखली से औरत अंग से अंगूर आह खाली क से कबूतर ख से खरगोश ग से गमला घ से घड़ी अंगा खाली च से चरखा से छतरी से जहाज झ से झंडा ईया खाली वी विल टर्न द पेज ट से टमाटर ठ से ठठेरा ड से डफली ढ से ढक्कन अण खाली त से तरबूज थ से थर्मस द से दवात ध से धनुष न से नल नाउ वी विल अगेन टर्न द पेज से पतंग फ से फल ब भ बतक भालू, म से मछली य से र से से रथ, ल लट्टू, व से वक से शेषल ज से षटकोण स से सपेरा ह से हल क्ष से क्षत्रिय त्र से त्रिशूल ज्ञ से ज्ञानी श्र से श्रमिक अड़ ड से डमरू के पैर में बिंदी लगा दे हैं, तो क्या बनता है अड़ अड़ से लड़का के और ढ से ढक्कन के पीछे पैर में नीचे बिंदी लगाते हैं तो बनता है उढ़ बड़ाई ओके बड़ाई कौन होता है जो लकड़ी से दरवाजे और खिड़कियाँ बनाता है ठीक है नाउ वी विल डू एक्सरसाइज चित्र पहचान कर उसके पहले वर्ण पर गोला बनाइए ये क्या है ऐसे एनक तो हम इस पे गोला बना देंगे ऐसे ये किसका चित्र है ट से टमाटर तो हम ऐसे ट से टमाटर पर गोला बना देंगे फिर क्या है ल से लट्टू ये है ल, ल पे हम गोला बना देंगे ठीक है फिर क्या है ग से गमला ये हमारा ग ग पे हम गोला बना देंगे प से पतंग ये पवर्ण है इस पे हम गोला बना देंगे नेक्स्ट क्या है क्ष से क्षत्रिय इस पे भी हम गोला बना देंगे ठीक है बच्चों ये हमारा वर्क था अब हम ये शब्द रचना बुक है हमारी इसमें हम पेज नंबर फोर करेंगे ठीक है आओ देखें ये कैसे करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट टूडेज डेट एंड होमवर्क ऑन दिस पेज ओके नाउ ऐसे एनक ऐसे एनक कैसे बनाएंगे ऐसे एनक हम ऐसे वाला ए नहीं बनाएंगे हम यहाँ से ऐसे छोटा सा कर्व करेंगे फिर येलो लाइन से स्लैंटिंग लाइन फिर यहाँ से एक कर्व और ऊपर जाके रुक जाएंगे। फिर हम यहाँ पे एक स्लीपिंग लाइन लगाएंगे और यहाँ पे एक की मात्रा बना देंगे ठीक है अब हम देखेंगे ओसे ओखली कैसे बनाएंगे छोटे से कर्व ऊपर की ब्लू लाइन से स्टार्ट करेंगे येलो लाइन तक आएंगे, फिर यहाँ से नीचे ब्लू लाइन तक और थोड़ा सा स्लैंटिंग करते हुए देन स्मॉल कर्व लाइन स्टैंडिंग लाइन वन मोर स्टैंडिंग लाइन और फिर हम ओ की मात्रा बना देंगे और ऊपर लाइन लगा देंगे ठीक है अब है से औरत औ औरत जैसे भी हमने छोटा ओ बनाया था वैसे ही हम इसमें थोड़ा सा कर्व करेंगे फिर एक कर्व करेंगे थोड़ा सा स्लैंडिंग लाते हुए एक स्टैंडिंग वन फिर एक और स्टैंडिंग वन बना के दो मात्राएं बनाएंगे बड़े ओ में दो मात्राएं आती हैं ठीक है बच्चों अब क्या है अंग से अंगूर अंग से अंगूर जैसे हमने छोटा अ बनाया था वैसे ही हम इसे बनाएंगे देखो ऐसे ठीक है और स्टैंडिंग वन करके ऊपर लाइन लगाएंगे और यहाँ पे ऐसे छोटी सी बिंदी अंक की बिंदी लगा देंगे ठीक है और अह खाली आह खाली भी कैसे बनेगा जैसे छोटा बनता है वैसे ही बनाएंगे ठीक है और इसमें अ के पीछे दो बिंदी लगाते हैं ठीक है इसी को बोलते हैं अह खाली इसका साउंड थोड़ा सा ह आता है अ ह खाली ठीक है आज आप इसे सुंदर सुंदर राइटिंग में बहुत अच्छे से लिखेंगे